I would like to welcome all participants for joining this online or offline. Computer Science Department, Sai College, आज एक वेबिनार के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी के बारे में अवेयर करना चाहता है, जिसमें कॉलेज के सभी स्टाफ एवं स्टूडेंट इसका लाभ लेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था की डिप्टी डायरेक्टर और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर ममता सिंह मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट एंड माय डियर कलीग्स, Due to some technical problem, अभी आप थोड़ी सी दिक्कत हुई, अभी आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? मैं ऑडिबल? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अभी कोरोना ने और कोविड टाइम ने सभी को सिखा दिया कि व्हाट इज डिजिटल, डिजिटल लाइफ क्या है और कैसे हम इसको जी रहे हैं और क्यों हमारे लिए ये नेसेसरी है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं या टीचर्स हैं, ऑल आर अवेयर वर्ड डिजिटल, पर जब भी हम डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। हालांकि आप सभी जान रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आपको ये बताए कि इसमें अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अभी आप आज ही शायद है कि आपका एक पोस्टर कॉम्पिटिशन भी है जो डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है, और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ये क्या है, इसमें क्या बनाएंगे, क्या थीम होगा। तो हमने सोचा कि स्टूडेंट जो चीजें कर रहे हैं और वो उन्हें जान नहीं रहे हैं, हालांकि मैं जो बताने जा रही हूँ कुछ भी नया नहीं है, वो आप समझते हो, बट उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, उससे आप अवेयर नहीं हो। तो आज का ये वेबिनार हम इसीलिए रखे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के माध्यम से। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उतना सब होगा नहीं, फाइनली लास्ट में आपको समय दिया जाएगा कुछ क्वेरी करने के लिए। पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट यहाँ पर है, आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर अ चॉइस, इट इज नीड ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नेसेसरी या नेसेसिटी। ये हमको सिखा दिए पिछले 2 साल ने, ये चीज हमें सिखा दी। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज नहीं करते थे। इवन जिनका डिपार्टमेंट भी कंप्यूटर साइंस है या टेक्निकली उनको काम करना पड़ता है, तब भी वो सारी चीजें नहीं करते थे जो आज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सारे इंडिविजुअल की आज ये आवश्यकता हो गई है टेक्नोलॉजी, उसका हमें कैसे यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है, ये चीजें जानना जरूरी है। ये आपको इसमें बहुत सारे आपको टूल्स दिखाए हैं, देखिए जितने टूल्स मैं बताने जा रही हूँ, होप सो मेरे स्टूडेंट्स इससे ज्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि आजकल आप लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस है, टीचर से भी ज्यादा। तो ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म जो है गूगल, याहू, एमएसएन, फेसबुक, माइस्पेस, यूट्यूब, इससे आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं। और हो सकता है इसमें से कुछ चीजें पे आप अवेयर नहीं होंगे, तो जरूरी नहीं सारी चीजें, कुछ चीजें हमको जो हमारे यूज के लिए है, जो हमें साउंड बनाती है टेक्नोलॉजी के लिए, उसको हमें जानना जरूरी है। अब क्या होता है कि फेसबुक पे हम अपना अकाउंट खोले हैं कि नहीं खोले हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है कि नहीं है, ट्विटर पे हमारा अकाउंट है कि नहीं है, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। आप अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है, और जैसे टीचर भी बहुत सारे अटेंड कर रहे हैं, तो मैं टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए कॉमन बोलना चाहूंगी, जो चीज हम पे लागू होती है और जो हमको हमारे एरिया है
एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें स्किल बनाएगा और हमें ग्रोथ दिलाएगा, उस पे ही ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप फ्री हो, आपको जॉब मिल गई, थोड़ा समय मिलता है, तो आप थोड़ा एक्सेस करिए दूसरी चीजों को, ठीक है। तो अभी आपको किसकी चीज की जरूरत है, सब चीज की थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। यूट्यूब के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है, फेसबुक के बारे में आप जानते ही हो, ट्विटर के बारे में जानना चाहिए, ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टेक्स्ट ब्लॉग्स होते हैं, विजुअल ब्लॉग्स होते हैं, और इसमें भी करियर डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो ब्लॉग्स लिख के भी मनी अर्न करते हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो सीधा डिजिटल लिटरेसी पे है। तो ये टर्म्स से सभी को अवेयर होना है कि कभी किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज विकिपीडिया, तो हमें विकिपीडिया का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, विकी स्पेस क्या है तो समझ में नहीं आ रहा। जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि ये है क्या। आईसीटी क्या है, बहुत बार आप सुनते हो कि आज आईसीटी पे लेक्चर है, वेबिनार है, पर कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जो आईसीटी का मतलब सभी जानने लग गए हैं अभी, बट एक्चुअल इस पे क्यों सेमिनार हो रहे हैं, क्यों वेबिनार हो रहे हैं, उसका लिमिट कहाँ तक है, इन चीजों को हमें जानना है। तो आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और एप्लीकेशन एनकंपासिंग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम। तो आप देख रहे हो अम्ब्रेला टर्म क्यों बोला गया, मतलब बहुत सारी चीजें एक ही टर्म्स के अंदर, इट्स कॉल्ड अम्ब्रेला टर्म। एक आईसीटी शब्द है उसके अंदर कितनी सारी चीजें समाहित है, रेडियो से लेकर सैटेलाइट तक। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आईसीटी बोले तो चलो उसमें रेडियो टेलीविजन नहीं आएगा, वो भी एक आईसीटी टूल है। तो स्टार्टिंग जो हमारे टेक्नोलॉजी की हुई वो रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन से लेकर आज हम सैटेलाइट तक काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका सब पार्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसका पार्ट है। तो हम आज नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीटी है क्या, इसका एक डेफिनेशन देखेंगे कि आईसीटी में क्या क्या आता है। जैसे अम्ब्रेला टर्म तो हमने बोल दिया, उसे चेंज कर दीजिए। आईसीटी टूल्स, आईसीटी टूल्स आर डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या है तो हमने जाना इससे कि आईसीटी एक अम्ब्रेला टर्म है, पर आईसीटी टूल्स में क्या क्या आते हैं। तो आईसीटी टूल्स में ऐसे सारे डिवाइसेस आते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ऑल आर आईसीटी टूल्स। जैसे सॉफ्टवेयर, टेलीविजन, लैपटॉप, सेलफोन, ठीक है, आप सभी जान रहे हैं इसको। अब हमें पॉइंट पे आते हैं, ये तो बेस था कि ऑप्टिमल टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर्स अ फुल रेंज ऑफ आईसीटी टूल। अगर किसी टीचर को, अभी आप देख रहे हैं ब्लेंडेड मोड में क्लासेस चल रही है, ब्लेंडेड मोड में क्लासेस का मतलब होता है कि कुछ क्लास ऑनलाइन और कुछ क्लास ऑफलाइन, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मस्ट है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए और एक ऑपरेटिंग एनवायरमेंट होना चाहिए। कुछ चीजें कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे हम आज ये कंपलसरी हो गया है कि अगर कोई बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है, कंप्यूटर लैपटॉप में तो रहता ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जब तक वो नहीं है हमारा कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर सकता। तो ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली आज आपको बताई जा रही है, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास नहीं ले पाएंगे, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे या टीचर भी आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं डिजिटल लिटरेसी। अभी तक तो था कि आईसीटी क्या है, ठीक है, आईसीटी के टूल्स क्या होते हैं, ये रिक्वायर्ड क्यों है, देन व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी।
Digital literacy is the awareness, attitude, and ability of individuals to appropriately use digital tools and facility to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyze, and synthesize digital resources, construct new knowledge, create media. So, simple शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो digital literacy एक जागरूकता है, एक awareness attitude है, एक हर एक व्यक्ति का एक एबिलिटी है जो उसको किसी भी काम को एप्रोप्रिएट तरीके से उचित तरीके से करने में मदद करता है और इस डिजिटल लिटरेसी के लिए हमें डिजिटल टूल की आवश्यकता होती है। हमारी डेली लाइफ से लेकर जरूरी नहीं होता है कि वो टीचर है या स्टूडेंट है उसको ही डिजिटल लिटरेसी हो, हर एक व्यक्ति में डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। अरे डिजिटल लिटरेसी क्या होती है इसको हम आगे देखें। ये ग्राफ के माध्यम से अगर हम देखें तो किस किस फील्ड में ये हमें सपोर्ट करती है इसको शॉर्ट में ही बताऊंगी मैं, बहुत अगर इसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये हमें ई सेफ्टी देती है, फंक्शनल स्किल देती है, क्रिएटिविटी देती है। अब जैसे इसको हम देखते जाए साथ साथ ई सेफ्टी क्या होता है, अगर एक व्यक्ति मान लीजिए 12th पास भी है और वो जॉब कर रहा है, वो ATM को मेंटेन कर रहा है, पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, आज सभी के पास ATM कार्ड होता है, चाहे उसकी अर्निंग 10,000 हो या उसकी अर्निंग लैक्स में हो, ठीक है, सभी ई पेमेंट के लिए या तो करते हैं या बाध्य होते हैं कि यार चलो आप कर दीजिए, अपने कई बार जो थोड़े एज वाले अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को थोड़ा बहुत जो मेन चीजें हमारे पर्पज से है डेली लाइफ के लिए है वो आना चाहिए। ई सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी हम कुछ डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और डिजिटाइज टूल का यूज कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी बढ़ते, सेफ्टी बढ़ते का मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई स्कैम कर रहा है तो हम उसका पता लगा सके कि हाँ ये हमें बेवकूफ बना रहा है, बुद्धू बना रहा है, ठीक है। आज आप देखते होंगे बहुत सारे एक साइबर क्राइम भी होते हैं, तो साइबर क्राइम उन्हीं लोगों पे होते हैं जो ज्यादा अवेयर नहीं होते, जिनको ना तो कंप्यूटर का नॉलेज है ना उन्हें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है इसका नॉलेज नहीं। तो ई सेफ्टी सबसे पहले हमें प्रोवाइड कराता है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी अगर आप कैपेबल हो पेमेंट करने के तो आप खुद करोगे, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। आपको पता होगा कि ये मेरा पासवर्ड है, ये मुझे किसी और को नहीं बताना है, या ये प्रिकॉशन लेना है किसी भी पेमेंट करने के बाद या पहले, या कोई फर्जी कॉल आते हैं कुछ आता है तो हमें क्या चीजें बतानी है क्या चीजें नहीं बतानी है, ये भी हमें डिजिटल लिटरेसी सिखाता है। वो आपको क्रिएटिविटी देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम जो हम सोच रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। वो नेचुरल आज हम देख रहे हैं सारी चीजों के लिए हम नेट पे डिपेंडेंट है, तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट बेटर ये करता है कि आप उस पर सर्च क्या करते हो, कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका फंक्शनल नॉलेज बढ़ रहा है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन चीजों को देखने में लगाएं जो हमें आगे की ओर ले जाएंगे और हमें डिजिटल लिटरेट बनाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव करते हैं। आज कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी टाइपिंग नहीं जानते, कई लोग क्या हमारे टीचर में जैसे मैं खुद भी नहीं जानती, पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो और हमारे स्टाफ बहुत सारे करते भी हैं, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं था उनका पहले से, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्किल नहीं था, बट आज हम देखते हैं कि वो एक कंप्यूटर स्टाफ से भी ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें इंटरेस्ट है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगी, जैसे आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट के विमल सर है, विमल सर हिंदी में भी टाइप कर लेते हैं, एक्सेल की शीट पे काम कर लेते हैं, वर्ड पे काम कर लेते हैं। साइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर हैं जो सब काम आता है उनको, कॉमर्स में और भी टीचर है, हीना है, और इवन सारे टीचर्स, कोई भी ऐसा आप नहीं बचा है जो डिजिटली वो वीक हो। तो हमको अपने आप को भले कोविड टाइम है नहीं है इन चीजों को बना के रखें। तो डिजिटल लिटरेसी आपको अवेयर करेगा, प्लेटफॉर्म देगा कोलैबोरेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सोशली हम कितने किस प्लेटफॉर्म पे हैं, किससे हम मीट करें किससे ना करें,
इससे हम टाई अप कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऑल आर देयर। नेक्स्ट सेम इसी चीज को बताया गया है, कुछ टर्म्स है द एट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ये इसके आठ एलिमेंट कहे जाते हैं, कल्चरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड सिविल। दैट मींस इन सब एरिया में आपको वो परफेक्ट करता है। कॉन्फिडेंट होते ही आप, अगर आपको नॉलेज है, आपको आता है, तो बट ऑब्वियस आपको कॉन्फिडेंट रहेगा ही कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें भी देता है, बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे इस पे। नेक्स्ट एक दो चीज और जानना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी, जैसे हम जान गए कि किसको बोलते हैं, डिजिटली अगर आप स्ट्रांग हो उसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। क्या क्या चीजें आता है ये भी देखिए। डिजिटल सिटीजनशिप भी एक टर्म है, जिसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसका हम अगर पाथ देखें तो नीचे से देखना चालू करेंगे। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से मिल रही है, कैसे उसको गेट करना है, उसका कैसे यूज करना है। शायद नीचे की लिखी हुई लाइनें आप लोग को नहीं देख पा रही होंगी। तो लोकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग प्रिंट एंड डिजिटल, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन है। कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, रिलेशन ही ना हो। इंफॉर्मेशन की लिटरेसी भी होना बहुत जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद अगला फेज आता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। ठीक है, हाँ वहां तक तो इंफॉर्मेशन सही है गलत है इसको तो हम समझ गए, पर अब आपको टेक्नोलॉजी में भी लिटरेट होना है। यूज ऑनलाइन टूल्स एंड एप्लीकेशन टू कोलैबोरेट, शेयर, क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड कुछ है। तो मतलब आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके उस इंफॉर्मेशन पे काम करना है, उसको क्रिएट करना है, शेयर करना है। कई बार हम शेयर करने में भी गलती कर देते हैं, अपने इंफॉर्मेशन जिसको शेयर करनी है उसे ना करके किसी और को कर दिया, या उसके साथ साथ किसी और को भी चला गया। कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजों को यहाँ बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन तो आपने समझ लिया, बट टेक्नोलॉजिकली अगर आप लिटरेट हो गए तो उस इंफॉर्मेशन को कहाँ कैसे यूज करना है ये समझना है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में जस्ट कुछ हम फोटोग्राफ्स डालते हैं, हम नहीं चाहते कि इसको सबको ही देखे, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एरिया के लोग इसको देख सकते हैं, कौन इसको शेयर कर सकते हैं, कौन इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमको देन फाइनली आप कहलाते हो डिजिटल सिटीजन। डिजिटल सिटीजन मतलब जैसे एक नागरिकता होती है, एक देश की नागरिकता, उसी टर्म में इसको बनाया गया है डिजिटल सिटीजन, कि आप एज ए डिजिटल सिटीजन स्टैंड करते हो कि इंडिया में हम कह सकते हैं कि हाँ 40% लोग जो है वो डिजिटल सिटीजनशिप लेने के लिए काबिल है। तब होगा जब हम इंफॉर्मेशन को जानना सीखेंगे, टेक्नोलॉजिकली हम ऑनलाइन टूल्स यूज करना सीखेंगे, उससे जुड़े हुए प्रिकॉशंस को यूज करना सीखेंगे, और फाइनली हम फिर रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, या कहीं का भी टीचर हो, एक समान व्यक्ति हो, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी टीचर स्टूडेंट के लिए है, ये सभी पे लागू है। Next.
स्टूडेंट लाइफ में जो हमें सीखना है और स्टूडेंट जो चाहता है, उस स्टूडेंट जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये बातें हम टीचर के लिए कह रहे हैं, हमें उस टाइप से प्रिपेयर होना कि आज का लेक्चर स्टूडेंट और टीचर दोनों अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ बातें स्टूडेंट स्पेसिफिक है और कुछ बातें टीचर स्पेसिफिक है। तो ये इतने सारी चीजें हमने जो बताई उसमें ये क्लियर होता है कि आज टीचर को अब आने वाले फ्यूचर जो भी इश्यूज हैं उनके लिए प्रिपेयर होना है। टीचर आर द कोर ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम एंड देयर रोल अंडरगो जस्ट एज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एज दैट ऑफ स्टूडेंट एंड द पेरेंट। मतलब किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टीचर का। ये आप समझते होंगे कि आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं और जब आप 3 साल पढ़कर निकलते हैं तो आप में जो परिवर्तन हुआ दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टोटली टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है और बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं टोटली टीचर नहीं कहूंगी क्योंकि टीचर तो आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है, आप उसको ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अवेल कर रहे हो या नहीं। जैसे कोविड टाइम में एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हम लेते हैं, आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, ठीक है, आपने ब्लेंडेड मोड में एग्जाम दिया, देख के लिखा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी डेट पे ना होकर 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक डिले हुए, इवन और भी डिले हुए, पर जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको पता था कि आफ्टर 3 मंथ आपको एग्जाम में बैठना है, कोविड के कारण वो डिले होता गया। क्या किया बाकी लोगों ने, रेस्ट करना चालू कर दिया कि अरे एग्जाम तो बाद में है, अभी से क्या पढ़ना। पर उसी समय जो इंटेलिजेंट पीपल थे और जिन्हें एग्जाम निकालना था, उन्होंने उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी मानकर अपना एक टाइम टेबल सेट किया और एम को लेने के लिए लग गए और उनके एग्जाम में डेफिनेटली वो एग्जाम में पास हुए। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि जैसे ही कोई आपदा आती है, कोई पैंडमिक आता है, तो हम उससे डर जाए और जो हमें मिलना था वो भी हमें ना मिले। दूसरा होता है कि उसको हम एक अवसर बना ले और उस टाइम का यूटिलाइजेशन ऐसा करें, जो भी चीजें हमें सिखाई जा रही है वो नेचर ने सिखा दिया कुछ तो, और कुछ हमारी मजबूरी हो गई, उसको हमें एक्सेप्ट करें, पूरी दिल से एक्सेप्ट करें और आगे अपनी कोशिश रखें। जो भी हमारा फील्ड है, स्टूडेंट है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होना चाहिए, इवन एक टीचर भी है तो उसने अपना लाइफ में जो गोल सेट किया है, हो सकता है कोई PhD करना चाहता है, हो सकता है कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा था, हो सकता है कोई बुक लिखना चाह रहा था, बट डेली रूटीन में डेली काम में उसे समय नहीं मिल पा रहा था। और पैंडेमिक ने तो आपको बहुत सारा समय दिया था, ये बात अलग है कि इस समय हो सकता है कुछ सिचुएशन भी थोड़ी खराब थी, घरों की किसी के घर में हुआ प्रॉब्लम, किसी घर में नहीं भी हुआ, पर हम उसको अपना प्रॉब्लम मान के पीछे क्यों हट गए, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको लाइफ में आगे भी होते रहेगी, बहुत सारे जरूरी पैंडेमिक हो, आपका पर्सनल पैंडेमिक भी हो सकता है भाई, आपको उसको अवसर बनाना है, हाँ इससे निकलना है हमें और इसको हमको इसके कारण हमारा कोई लॉस ना हो। यही कहना चाहूंगी मैं अपने टीचर्स और बच्चों को कि जब भी आपको कोई क्राइसिस आता है उस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी को सर्च करें। डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में जैसे मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया, उसी का डेफिनेशन यूजेस दी स्किल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिविक सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू अ वाइब्रेंट इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड कम्युनिटी। आज की डेट में कम्युनिटी पे में जाना, उसमें खड़े होके बोलना, उसको बिलोंग करना, अपनी बात रखना, या लोग आपको समझ पाए, लोग आपको जान पाए, लोग आपको सुने, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो डिजिटल सिटीजनशिप इज द नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज। मतलब हमको एटलीस्ट इतना स्किल होना है कि किसी भी कम्युनिटी में जाकर हम बात कर सके, उसमें हम ऐसा ना फील करें कि अरे आपको में नहीं आता, हमें लिटरेट है इस मामले में, हर मामले में हमको लिटरेट होता है।
द 9 एलिमेंट ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। तो भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, डिजिटल एक्सेस आना चाहिए हमें, डिजिटल कॉमर्स आना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से आता है चीज़ों को लेना, जो आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं बाइंग सेलिंग, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन आना चाहिए, डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके मेल्स हो गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, स्काइप में बात करना हो गया, डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल एटिक्वेट, डिजिटल लॉ, इससे मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा सा। डिजिटल लॉज भी हो, इसी में आपका साइबर क्राइम भी हो, जस्ट उसका अपोजिट है। दैट मीन्स आपको कुछ लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या हमारा दायरा है, क्या हमारा फील्ड है। डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डिजिटली आप किसी को कुछ मैसेज कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपके लिमिटेशंस क्या है उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो वो क्राइम की श्रेणी में भी आ सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने क्या किया, बट वो दूसरा उसको एज ए क्राइम ले सकता है। आज की डेट में आप किसी को एक मैसेज भी कर रहे हो, तो पहले आपको मैसेज का पूरा मीनिंग पता होना चाहिए कि जिसको हम भेज रहे हैं क्या इसके लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है। किसी ग्रुप में भेज रहे हैं, अभी आप देखिए बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे होती है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हो और व्हाट्सएप ग्रुप कोई एक दो नहीं होता, एक व्यक्ति कम से कम 15-20 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा होता है। तो हर ग्रुप के जो लोग हैं, जो जेंट्री है, वो अलग अलग है। तो आप जिस जेंट्री में जो मैसेज कर रहे हो उसको आप सोच समझ के करें कि हड़बड़ी में कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज किसी और में चला गया, तो सीधा वो आपका डिजिटल क्राइम हो जाएगा। कोई भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेन लिखा सकता है और बहुत सीवियर एक्शन होते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल डूइंग इन डिजिटल, मतलब आप इसको अगर आप यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एक तो आप आपके इंटरेस्ट से, दूसरा आपकी मजबूरी हो सकती है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है ऑन टेबल जॉब्स जिसमें आप 12-12 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी आपको थोड़ा स्ट्रांग होना है, मेंटल पीस लेनी है, तो वो अलग मैटर है, इसमें कैसे जाएंगे पूरा एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। देन डिजिटल सिक्योरिटी, इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग, ये इससे सभी अवेयर होंगे, तो इसको मैं जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ। गूगल फॉर्म आप सभी जान रहे हो, आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमें आपसे लेनी होती है गूगल फॉर्म से लेते हैं। गूगल क्लासरूम, हो सकता है कुछ नए बच्चे भी इसमें जुड़े होंगे जो अभी इसी साल ज्वाइन कर रहे हैं बीसी फर्स्ट ईयर आई थिंक, तो गूगल क्लासरूम पे आपका असाइनमेंट आएगा, उस असाइनमेंट को गूगल क्लासरूम में ही भेजना होगा। कुछ टेस्ट अभी तो ऑफलाइन चालू हो गया, तो टेस्ट आपके ऑफलाइन होंगे, अगर ऑनलाइन की स्थिति आई तो टेस्ट भी का पेपर भी आप गूगल क्लासरूम में भेजेंगे और इंफॉर्मेशन भी गूगल क्लासरूम में शेयर की जाएगी। तो गूगल क्लासरूम के बारे में आपके टीचर आपको समझा देंगे। गूगल ड्राइव पे हम डेटा रख सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा रख सकते हैं, यूट्यूब सभी जानते हो, स्लाइड शेयर के माध्यम से अगर हम कुछ पीपीटी के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन आप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो स्लाइड शेयर में ऑलरेडी प्रिपेयर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसमें आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। डायरेक्टली आपको नहीं देता है वो, जब तक आप उसमें अकाउंट नहीं खोलते हो, तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर लेंगे तो अथॉरिटी हो जाएगी और बहुत सारे पीपीटी को आप एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बुक डाउन अभी ये क्योंकि हम डेमो वर्जन नहीं है आज का सेमिनार, अदरवाइज इसमें हमने इंक्लूड किया था कि बुक डाउनलोड के कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से इसमें टूल हैं, आज इसको नहीं कर रहे हैं इंक्लूड। तो फाइनली ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब ऑप्शन का यूज करना है टीचर्स को, आज हमें भूलना नहीं है कि ऑफलाइन हो गया तो इनको हम छोड़ दें, क्योंकि तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट थी थोड़ा जल्दी आ गई, कोरोना ने इसे 20 साल पहले कर दिया, अदरवाइज से 20 साल बाद आती। ये
Rain drops may be little in shape and size, but they are continuous fall make a river overflow. Small consistent effort make massive difference. ये सभी students teachers सब पे applicable होता है. आप जिस भी field में work करना चाहते हैं, जो भी आपका target, अभी आप मत सोचो कि मुझे तो समय नहीं मिलता, मुझे तो सारी क्लासेस रहती हैं और भी काम रहता है. स्टूडेंट सोचेगा कि मेरे तो 9 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स है, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी 3 साल तो मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. जो भी आप टारगेट लेके चले हैं, अगर आप रोज 10 मिनट 15 मिनट एज पर योर जैसा भी आप बिजी हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, किसी के पास हो सकता है 1 घंटे भी हो जाए और किसी के पास हो सकता है 15 मिनट ही हो. पर मैं नहीं मानती कि 15 मिनट या हाफ एन आवर भी कोई ऐसा है कि जो गोले में खाली नहीं, चाहे वो कितना भी बिजी हो. तो रेन ड्रॉप्स का यहाँ पे एग्जांपल देने का मतलब क्या होता है कि एक एक बूंद करके अगर हम इकट्ठा करते हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट होता है तो हमारी लाइफ में वो मैसिव चेंजेस ला सकता है. हम क्या करते हैं कि जब कोई एग्जाम पास आता है तो हम एफर्ट करना चालू करते हैं. आप उसको देखो कि आप 1 महीने में अगर 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो कितना समय होगा, वही साल भर में अगर 1-1 घंटा भी पढ़ते तो कौन सा टाइम ज्यादा हुआ, कैलकुलेट करके देख लीजिए. 30 डेज में आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ पहले, या आप 7 मंथ पहले हर दिन 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लिए होंगे और नतीजा आपके सामने होगा. तो बोलने का मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, एकदम आखिरी में जाके हम करेंगे वैसा नहीं. फाइनली एक लास्ट स्लाइड है ये, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. अपने आप को आपको खुद पुश करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ठीक है आप आज बुक लिखना चाहते हो, आज जर्नल का पेपर लिखना चाहते हो, आज आप क्लास मत लीजिए, आप जनरल का पेपर लिख लो, कोई नहीं बोलेगा. आपको खुद समय निकालना पड़ेगा, क्लास भी लेना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि कल आपका टेस्ट है तो आज क्लास मत करिए, आज आप पढ़ लीजिए, आज आप छुट्टी दे रहे हैं, टेस्ट की तैयारी करिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, लाइफ में ये चीजें आप अपनाइए, ये आज के लिए नहीं है, पूरे आपकी लाइफ के लिए है. कि आपको कुछ बनना है तो आपको खुद अपने आप को कुछ करना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा. फाइनली देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. थैंक यू. उम्मीद है मुझे आप लोग होंगे और स्टेप से आगे कुछ लेक्चर की अगर रिक्वायरमेंट होगी जिसमें लाइव डेमो हम दे सकेंगे तो फ्यूचर में हम इसे करेंगे. थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी हमको प्रोवाइड कराने के लिए. जैसा कि मैम ने हमको बताया कि डेली लाइफ से लेकर हमको पूरा ऑफिशियल तक हमको पूरा डिजिटल लिटरेट होना बहुत ही जरूरी है आजकल. क्यों होना जरूरी है, क्योंकि देखिए मैम ने हमको एक और चीज बताया बहुत ही अच्छी चीज, कि अगर हम डिजिटली लिटरेट नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या हो सकता है, हम भी एक साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन सकते हैं. तो ऐसा ना हो इसके लिए हमको डिजिटली लिटरेट होना चाहिए. और सबसे ज्यादा पेंडेमिक में हमने डिजिटली यूज किया है, मोबाइल को हो या कंप्यूटर को हो या जैसा भी, हमने जब हमारे पास पेंडेमिक आया तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, डिजिटली हर एक चीज को बना दिया. तो ये एक तरह से क्या है हमारा, कि अगर हम अपने आप को डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटली लिटरेसी बोलते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को ये डिजिटल लिटरेसी के ऊपर सेमिनार दिया है. थैंक यू सो मच, और आज का हम प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. एक्सक्यूज मी ऑल, एक हम चाह रहे हैं फाइनली सुशील सर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो ऑन कर लें अपना, एक स्क्रीनशॉट लेना होगा. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए.
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस.